हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सागर मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल पर। और आज हमारे पास एक लेटेस्ट वाला जियो का फ़ोन आया है 320B। इसमें ये हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम में है, ये जियो के लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसकी फ्लैशिंग का जो तरीका है और इसकी फ्लैश फाइल, वो आज इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी फ्लैश फाइल अभी सभी जगह जहाँ जहाँ से भी डाउनलोड करने के हमारे स्लॉट हैं वहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इसकी फ्लैश फाइल पेड है, जो हमको मेंबरशिप के द्वारा ही डाउनलोड की जा करवाई जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसकी फ्लैशिंग का तरीका भी बताऊँगा और इसकी फ्लैश फाइल भी खरीदूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसी लोगों से आगे नहीं पहुँच पा रहा है, यहीं पे जाकर अटक रहा है। चलिए इसकी फ्लैशिंग करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, फाइनली हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम इसको फ्लैश करने वाले हैं UMT के QC फायर से। तो सबसे पहले हम अपने UMT के QC फायर को ओपन करते हैं। और ये हमारा UMT QC फायर ओपन हो चुका है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें फाइल ऐड करनी है F320B। तो हम F320B की फाइल इसमें ऐड करते हैं प्रोग्रामर फाइल सेलेक्ट करके। शायद दूसरी ड्राइव में है, और हाँ ये रही। हमने सबसे पहले फाइल इसमें सेलेक्ट की, ठीक है। ओके, अभी हमने इस पर फ्लैश पे क्लिक करना है। ये फ्लैश पे हमने क्लिक किया, देख सकते हैं आप। अभी हमसे हमारे फ़ोन को EDL में मांग रहा है। तो फ़ोन को EDL में मैं तुम्हें दिखा दूँ, हमारा फ़ोन EDL में कौन सी बूट की है। जैसा कि F220 में स्टार की बूट की होती है, उसी तरह से सेम टू सेम स्टार की ही F320 में बूट की होती है। स्टार की दबाते हुए आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कीजिए। और ये हमारा फ़ोन EDL पॉइंट ले लिया इसने, और ये फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए इसकी फ्लैशिंग हो जाने देते हैं थोड़ी देर। अगर फ़ोनों का आपको सॉफ्टवेयर करना है भाइयों, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर फ़ोन की फ्लैश फाइल की का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, जिस फ़ोन की फ्लैशिंग की वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है, उस फ़ोन की फ्लैश फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। और जो कि लिंक भी ऐसा होता है कि आपको दुनिया भर में बाईपास करके घूम के फाइल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारा लिंक ऐसा होगा कि आप वन क्लिक में डाउनलोड बटन पर पहुंचेंगे और सिंपल सा बिना किसी ऐड के अपनी फाइल को डाउनलोड करेंगे। F320 की फ्लैशिंग UMT मल्टी टूल QC फायर से कर पा रहे हैं हम। अगर फ्लैशिंग करनी है आपको फोनों की, थोड़ी बहुत अनलॉकिंग करनी है, तो भाई कम से कम UMT तो आपके पास होना ही चाहिए, इतना महंगा नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको इस काम में इंटरेस्ट है, तो UMT तो कम से कम परचेस कर ही लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो में बने रहने के लिए।